हेलो डियर, तो आप सभी जितने भी महावीर कैंसर पटना में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किए थे स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग के थ्रू, तो उन लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है और यह वीडियो मात्र आपके लिए इमीडिएट जरूरी है। तो कोई अगर नहीं अप्लाई किए हैं, आपके दोस्त अप्लाई किए हैं, तो उनके पास ज़रूर जो है इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनका एग्ज़ाम न छूटे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको पता है जैसा कि महावीर कैंसर संस्थान में स्टाफ नर्स का पाँचवा महीना में बहाली निकला था, जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए दोनों के लिए था। बट अभी मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि अभी जो है बीएससी नर्सिंग का जो है प्रोसेस हो रहा है। किसका हो रहा है? बीएससी नर्सिंग का हो रहा है, जीएनएम का अभी नहीं है। ठीक है, तो जीएनएम वाले कोई भी जो है कॉल मत कीजिएगा, आपको जो है कुछ होने वाला भी अभी नहीं है, अभी बीएससी नर्सिंग का है। अब मैं बता दूं कि अभी जो रिटन एग्ज़ाम लिया जाना है लगभग शुरू हो चुका है। यह 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो है ये एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में चलने वाला है। तो अगर आपको आज 31 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, आज 31 जुलाई है, और आपको आज शाम तक 31 जुलाई के अगर शाम तक आप लोग के पास अगर कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तो आप लोग जो है महावीर कैंसर के जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर है, मोबाइल नंबर है यहाँ पे है, तो आप जो है इनसे कॉन्टेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हो कि मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भेजा था कि मेरा क्या हुआ, मेरे पास नहीं कॉल आया न मैसेज आया। ठीक है, याद रखिए जिनके पास कॉल या मैसेज जा चुका है उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने शिफ्ट में आकर एग्ज़ाम देना है अपने टाइम पर। ठीक है, बाकी मैं बता दूं कि जो लोग के पास बीएससी नर्सिंग में अप्लाई तो किए थे बट उनका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं था, मार्कशीट नहीं था, या अदरवाइज कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप में मिसिंग था, तो हो सकता है आपके पास कॉल या मैसेज इस कारण से नहीं गया होगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट भेजे थे, 10th 12th के मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग के मार्कशीट, साथ में रजिस्ट्रेशन, तो आपको कॉल या मैसेज जरूर गया होगा। ओके, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है इस कारण से आपको नहीं गया होगा, उसके बाद मैं बता देता हूँ, अगर फिर भी आप डॉक्यूमेंट भेजे हैं, कॉल या मैसेज कोई नहीं गया है, तो आप इन नंबर पर पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं जो है मैसेज कॉल मेरे पास अभी तक नहीं आया है एग्ज़ाम के लिए। याद रखिएगा यह एग्ज़ाम जो है आपको 31 जुलाई से होकर आपको 3 अगस्त तक जो है आपके यह एग्ज़ाम चलेगा अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, रिटेन एग्ज़ाम है जिसमें आपको MCQ, ठीक है, हो सके तो MCQ के साथ में आपको कुछ रिटेन एग्ज़ाम भी जो है आपको लिखने वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, MCQ के साथ में आपको कुछ लिखने वाला भी हो सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, बट समझ लीजिए कि आपको रिटेन और MCQ दोनों हो सकता है, या साथ में सिर्फ MCQ भी हो सकता है, बट आपको प्रिपेयर करके दोनों को जाना पड़ेगा, MCQ और अगर रिटेन रहे तो रिटेन के लिए भी। ओके, मैंने बता दिया आपका 31 जुलाई से लेकर, ठीक है, 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाला है अलग अलग शिफ्ट में। अगर आपको नहीं गया है मैसेज या कॉल तो संपर्क कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फिर से एक बार बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग के लिए अभी चल रहा है, बीएससी नर्सिंग का जो सैलरी है वो 27,000 रुपये है, आप लोग देखे होंगे एडवर्टाइज में। ठीक है, अब जीएनएम का होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल बीएससी नर्सिंग का चल रहा है, तो कोई भी जीएनएम वाला ये मत सोचिए कि मेरे पास कॉल या मैसेज नहीं आया है, क्योंकि जीएनएम वालों को हो ही नहीं रहा है अभी बीएससी नर्सिंग ओनली। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए हम यहाँ पे आपको विदा लेते हैं, जो ज़रूरी था मैंने बता दिया, क्योंकि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक एग्ज़ाम है और काफ़ी नज़दीक टाइम आ गया है, और आपके पास कॉल मैसेज नहीं गया है तो आप ज़रूर यहाँ से संपर्क करके पता कर सकते हैं, और अगर नहीं गया होगा किसी कारणवश तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, धन्यवाद।